Hello, dear students. I am a teacher from your Sumisim Convent School, Bhupiyamo I hope all of you are good and enjoying your studies very well. So, students, I am here to teach you GK. So, this is for class for classics. Classics 10, open your books. Very good. So, students, we have completed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chapters we have done. सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेसन नाइन नेम इज़ बर्ड्स पक्षियों के बारे में डिस्कस करेंगे सो so, एट तक हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं सो so, चलिए बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई हैं क्या है इनके बारे में जानते हैं और आप लोगों को तो मज़ा आ ही रहा होगा पढ़ने में ऑनलाइन सो so, यस yes, वेरी गुड चलिए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा है नेम ऑफ सम कॉमन बर्ड्स यहाँ पर कुछ कॉमन बर्ड्स के नाम दिए गए हैं और हिडन इन द फॉलोइंग जुम्बर्ड लेटर्स और ये कुछ गड़बड़ जो उल्टे सीधे लेटर्स यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं उनमें ये छिपे हुए हैं आइडेंटिफाई देम इनको आपको सही रूप में लिखना है पहचान करके आइडेंटिफाई करके सही रूप में लिखना है ये गलत फॉर्म में दिए गए हैं गड़बड़ लेटर में दिए गए हैं तो इनको हमें सही उसमें कन्वर्ट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स सो जो पहला है हमारा ये काफ़ी उल्टे सीधे से लिखा हुआ है तो चलिए इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये किस वर्ल्ड का नाम है तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो सकता है ये आप बता सकते हैं सो so, ये हमारा है पी ए डबल आर ओ टी पैरेट पैरेट लिखा हुआ है इसको सही फॉर्म में अगर हम पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पैरेट पी ए डबल आर ओ टी पैरेट पैरेट माने क्या होता है तोता होता है सेकेंड की बात करें क्या आप सेकेंड कुछ पहचान पा रहे हैं कि किस बर्ड का नेम होगा माई डियर स्टूडेंट्स सो आपने ज़रूर पहचान लिया होगा तो ये हमारा है स्पैरो स्पैरो माने क्या होता है गौरैया यस पी ए डबल आर ओ डब्लू स्पैरो माने गौरैया तो इस तरीके से दो हमने पा लिया है तीसरे पर चलते हैं तीसरा क्या आप पहचान रहे हैं कि ये किस वर्ड का नाम लिखा हुआ है सो so, ये है हमारा ईगल ईगल ई e ए जी एल ई -E, ईगल आपको साफ साफ लिखना है ई ए जी एल ई ईगल फोर्थ पर चलते हैं क्या फोर्थ वाला आप पहचान पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या हो सकता है ये इन स्टूडेंट्स वेरी गुड सो ये हमारा है पार्ट्रिज पार्ट्रिज माने होता है टीटर 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 को तो आप जानते ही होंगे तीतर एक बर्ड होता है तो पार्ट्रिज होता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर पी ए आर टी आर आई जी ई पार्ट्रिज तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं पी ए आर सो ये हमारा हो गया पार्ट्रिज पार्ट्रिज माने तीतर सो फिफ्थ की तरफ चलते हैं माय स्टूडेंट फिफ्थ हमारा क्या हो सकता है क्या कोई बच्ची कोई बच्चों बता सकता है वेरी गुड ये है हमारा वुड पेकर वुड पेकर डब्लू डबल ओ डी पी सो ये हमारा वुड पेकर वुड पेकर माने होता है कटफोड़वा कटफोड़वा का नाम तो आप सुने ही होंगे तो ये वुड पेकर लिखा हुआ है स्टूडेंट सिक्स पर चलते हैं क्या सिक्स आप पहचान पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट ये है बस्टर्ड बस्टर्ड एक बर्ड होता है जो उल्लू की तरह होता है तो ये है हमारा बस्टर्ड बी एस टी ए आर डी बास्टर माने एक उल्लू टाइप का दिखने वाला पक्षी होता है माय डियर स्टूडेंट सो सेवेंथ की बात करें तो सेवंथ आपको क्या लग सकता है कि क्या हो सकता है ये हमारा uh, बया है बया एक बर्ड होती है माय डियर स्टूडेंट नाप आपने सुना होगा बया पक्षी तो ये बया है एट्थ की तरफ चलते हैं एर्ट्थ वाला तो काफ़ी ईजी है इसको आप तुरंत पहचान सकते हैं डी यू सी के डक डक माने क्या होता है बतक तो ये बतक का जुम्बर्ड नेम है सो so, नाइन्थ पर चलते हैं हमारे डे स्टूडेंट नाइन्थ आपका क्या हो सकता है क्या आप पहचान पा रहे हैं सो so, नाइन्थ हमारा जो है वो है फाल्कन फाल्कन माने बाज होता है एफ ए एल सी ओ एन फाल्कन फाल्कन माने बाज होता है अगले की तरफ बात करें टेंथ टेंथ की तरफ आप क्या इसको जान पा रहे हैं स्टूडेंट ये है हॉक यच ए डब्ल्यू के हॉक हॉक माने भी बाँच का एक रूप होता है हमारे स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स आपको काफ़ी मजा आया होगा ये गड़बड़ uh, दिया गया था जुम लेटर्स थे इनको सही में सही करके सही लिखना था तो हमने इसको uh, कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में इसको हम नेक्स्ट साउंड uh, की बात करें डियर स्टूडेंट चलिए इसी में पढ़ लेते हैं इसको हो जाएगा बी हमारा है मैच द फॉलोइंग बर्ड्स विद द साउंड्स दे मेक हमें इन फाइट मतलब तो बर्ड्स को मैच करवाना है जो इन साउंड्स दे में जो वो साउंड करते हैं तो इधर बर्ड्स का दिया गया है इधर साउंड दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है हमारा पहला जो है वो हमारा है मलाड तो मलाड का साउंड क्या होता है डियर स्टूडेंट वो आई एक्स क्वैक क्वैक होता है तो मलाड को क्वैक से आपको मैच करवाना है सेकेंड है आपका स्विफ्ट स्विफ्ट माई स्टूडेंट एक बर्ड होता है तो स्विफ्ट जो है उसको स्विफ्ट का होगा दूसरा नो no, फि स्विफ्ट का होगा स्क्रीच तो स्विफ्ट जो बल्ट है वो स्क्रीच करके साउंड करते हैं अगला है हमारा ग्रीव ग्रीव होता है पंडुब्बी पक्षी होता है हमारी डियर स्टूडेंट सो ये हमारा है वी थर्ड वी थर्ड विनी टाइप का करता है ग्रेव तो इसको इधर मैच करवा दीजिए वी थर्ड से सो स्टूडेंट अगला है हमारा हेन हेन जो है वो कुकडू को क्या क्या करके करता है अगला है हमारा बीटन बीटन को सारस कह दीजिए तो सारस जो है वो हमारा सो so बीटन का बीटन का डियर स्टूडेंट पहले से मैच करवाएंगे पहले साउंड से सो so बीटन माने होता है डियर स्टूडेंट सारस टाइप का पक्षी होता है अगला है हमारा डाइवर डाइवर माने होता है गोताखोर तो गोताखोर जो है डाइवर जो है वो हमारा एक्स वेल की तरह आवाज़ निकालता है तो इसको यहाँ से आपको करना है ज्वाइंट करवाना है सो so, ये है वोस्टर कैचर सीप को पकड़ने वाला पक्षी जो है वो होता है हमारी डियर स्टूडेंट ये पाइप की तरह आवाज़ निकालते हैं आउल ये तो हमने पढ़ा ही है ये हुट की तरह आवाज़ निकालता है इसको यहाँ से मैच करवा दीजिए अगला हमारा डब तो डब हमारा uh, मैच करेगा बी सेकेंड से कू से तो इस तरीके की आवाज़ निकल अगला हमारा बच्चा नाइट जार तो नाइट जार जो है वो हमारा चुर से आवाज़ निकालता है तो इस तरीके से हमारा ये कम्प्लीट हुआ चैप्टर माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर साउंड्स था जो हमने अच्छी तरीके से कर लिया है इसको आपको अच्छे से तरीके से मिलान करना है सो so, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सो स्टूडेंट्स आई विल कम विथ नेक्स्ट चैप्टर विथ नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर सी यू सून